नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करूंगा। कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात होगी, तो देखिए फ्रेंड्स रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा, प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करूंगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करूंगा, और नेशनल पार्क के बारे में बात होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान ये देने वाली बात है दो चीजें और, एक कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में भी मैं यहाँ पे बात करूंगा। इतनी चीजों के बारे में बात होगी। टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ बात नहीं होगी, वो मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ बात नहीं होगी, अलग वीडियो में कवर कर रखा है, नीचे लिंक दे रखा है। अगर आप एक्स सी टू और इन सी टू कंजर्वेशन के बीच का फर्क देखना चाहते हैं तो उसके लिंक भी नीचे दे रखा है, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपकी यूपीएससी पीसीएस एग्जाम्स या किसी भी और एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, एलिमेंट्री लेवल पे इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो भी ये चीजें आपकी सारे पर्पज को पूरा कर देंगी। अब समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच का फर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। ठीक है, क्या फर्क है रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। देखिए फर्क ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट में ग्रेजिंग और हंटिंग जैसी एक्टिविटीज जनरली बैंड होती हैं। अगर उन्हें परमिशन दे दी जाती है किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक रिजर्व फॉरेस्ट में नॉर्मली सब कुछ बैन है, जनरली सब कुछ बैन है, बट ग्रेजिंग की परमिशन दी जा सकती है, हंटिंग की परमिशन दी जा सकती है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, तो ये होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि हंटिंग और ग्रेजिंग जैसी एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, और वो तब तक अलाउड है जब तक उनको बैन नहीं किया जाता स्पेसिफिकली। तो बस दो फर्क है फ्रेंड्स, रिजर्व फॉरेस्ट में क्या हुआ कि ग्रेजिंग हंटिंग और इस टाइप की जो एक्टिविटीज वो बैन है। बैन कब नहीं होंगी, जब पर्टिकुलर रीजन की वजह से किसी चीज की परमिशन दे दी गई है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये सारी चीजें अलाउड है, अलाउड कब तक है, जब तक इनको किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से बैन ना कर दिया गया हो। बस ये दो फर्क है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, रिजर्व फॉरेस्ट आर बैन टाइड टू ऑल एक्टिविटीज लाइक हंटिंग ग्रेजिंग इन रिजर्व फॉरेस्ट आर बैन अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर्स आर इशूड अदरवाइज। इन प्रोटेक्टेड एरियाज राइट टू एक्टिविटीज लाइक हंटिंग एंड ग्रेजिंग आर समटाइम्स गिवन टू कम्युनिटीज लिविंग इन द फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट हु सस्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स। दोनों एक ही चीज है, पॉज करके एक बार इसको पढ़िए, आपको चीज समझ में आ जाएगी। अच्छा, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का स्टेटस एक जैसा नहीं होता। रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। जैसे जैसे इनके कंजर्वेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनको जो फंडिंग मिलती है वो बढ़ती जाएगी, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो बढ़ती जाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो सरिस्का नेशनल पार्क रिजर्व फॉरेस्ट बना 1955 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना 1958 में, टाइगर रिजर्व बना 1978 में, और नेशनल पार्क बना 1992 में। तो इस तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हो इनके स्टेटस को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच का फर्क देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर इनको लीगैलिटी मिलती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर लीगल स्टेटस मिलता है। फर्क देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज को, पर वो रेगुलेटेड होती है। नेशनल पार्क में किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, लेकिन नेशनल पार्क की बाउंड्रीज बिल्कुल फिक्स्ड और डिफाइंड होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का काम होता है कि फ्लोरा और फौना को बचाना है। नेशनल पार्क का काम होता है कि भैया फ्लोरा फौना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव को मीट करता है। ठीक है, काम काफी सारे एक जैसे हैं, जैसे कि इंडेंजर्ड स्पेशीज को बचाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी काम है, उनको हंटिंग प्रेडेशन और कॉम्पिटिशन से बचाना ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का काम है, ये सारी स्पेशीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का काम है और नेशनल पार्क का भी काम है। तो इंडेंजर स्पेशीज को बचाना, हंटिंग प्रेडेशन कॉम्पिटिशन से बचाना, उनको एक्सटेंशन से बचाना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों के काम है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कुछ पीपल्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उनको परमिट किया जा सकता है। जैसे जो ट्राइबल पीपल है उनको फायरवुड कलेक्शन की परमिशन दी जा सकती है, ग्रेजिंग की परमिशन दी जा सकती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने की परमिशन दी जा सकती है, बट उनको काफी रेगुलेट किया जाता है। वेरस नेशनल पार्क के अंदर किसी भी ट्राइबल को किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दी जाती, इवन ग्रेजिंग ऑफ द लाइव स्टॉक की परमिशन भी नेशनल पार्क के अंदर नहीं दी गई है। इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वो ग्रेजिंग को अलाउ कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, बट नेशनल पार्क के अंदर तो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कभी कभी जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है,
नेशनल पार्क जनरल पब्लिक के लिए बंद ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बढ़ा के अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, एक नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता है। वैसे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही नोटिफाई कर सकती हैं, नेशनल पार्क को भी सेंट्रल स्टेट दोनों ही नोटिफाई कर सकते हैं, बट जनरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, इनको स्टेट गवर्नमेंट ही नोटिफाई करता है, याद रखिएगा इस बात को। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ये दोनों चीजें आई होप आपको समझ में आ गई हो फ्रेंड्स, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ और बातें देखते हैं। इसको स्टेट गवर्नमेंट डिफाइंड करता है एक नोटिफिकेशन के द्वारा। किसी भी एक्ट को पास करने की या लेजिस्लेशन को पास करने की जरूरत नहीं है स्टेट असेंबली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर करने के लिए। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक रेजोल्यूशन के साथ डिक्लेयर किया जा सकता है, उसकी बाउंड्रीज को फिक्स किया जा सकता है, उसकी बाउंड्री को अल्टर किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन के थ्रू। किसी भी तरीके की कोई एक्ट को पास करने की जरूरत नहीं है, ना बाउंड्री फिक्स करने के लिए ना बनाने के लिए। लेकिन एक बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई, उसके बाद अगर आप उसकी बाउंड्री को बदलते हो, तो भले ही आपको लेजिस्लेशन पास करने की जरूरत ना हो, एक्ट पास करने की जरूरत ना हो, लेकिन आपको कंसल्ट करना पड़ेगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से, और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेने के बाद ही आप उसकी बाउंड्री बदल सकते हो, ठीक है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अलाउड है। थोड़ी बहुत नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। नेशनल पार्क को भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से डिफाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, पर ज्यादातर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। स्टेट गवर्नमेंट उसकी बाउंड्रीज को फिक्स कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क की बाउंड्रीज को फिक्स या अल्टर करने से पहले उसको कंसल्ट करना पड़ेगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का। नेशनल पार्क को भी सेटअप करने के लिए किसी तरीके की एक्ट की जरूरत नहीं है, और किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी नेशनल पार्क के अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व की। कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व पे थोड़ी देर में आएंगे, बट फ्रेंड्स अगर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अगर आप बात करो फ्रेंड्स, तो देखिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की जब आप बात करते हैं, ये बना कब था, देखिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला कैसे। वैसे तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मिला है, बट इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को 2002 में अमेंड किया गया था, और उसमें नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बनने का प्रावधान रखा गया था, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ये बात याद रखिएगा। और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कहाँ से मिलता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से मिलता है, ये बात रखिएगा। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, एग्जाम्स में, यूपीएससी के एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। जो नेशनल बोर्ड की ऑफ वाइल्ड लाइफ की जो आपके एडवाइजर्स होते हैं, वो एडवाइजरी होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, मेजर्स हैं, उनको लिया जा सके। एपेक्स बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स के लिए। नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के आसपास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल मैंडेटरी है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व बेसिकली वो रिजर्व्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास होते हैं, खासकर प्रोटेक्टेड एरियाज के पेरिफेरी पे होते हैं, या फिर जो माइग्रेशन कॉरिडोर्स होते हैं, जैसे टाइगर के माइग्रेशन कॉरिडोर्स है, एलिफेंट के माइग्रेशन कॉरिडोर्स है। माइग्रेशन कॉरिडोर्स इंटरनेशनल होते हैं फ्रेंड्स, किसी एक कंट्री में लिमिटेड नहीं होते, वो कंट्री टू कंट्री जा सकते हैं, स्टेट टू स्टेट जा सकते हैं। तो जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं और कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, ये कनेक्ट करते हैं माइग्रेशन कॉरिडोर्स को, या फिर बफर जोन की तरह काम करते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, टाइगर रिजर्व के आसपास होते हैं ये, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के बीच का फर्क देखो, तो देखिए एक चीज तो इनमें कॉमन है कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में, कि भाई कम्युनिटीज इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं, कम्युनिटी एरिया ही होते हैं ये, इनके डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट लोकल लेवल पे बहुत जरूरी है। तो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में, दोनों में कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। बस फर्क ये है कि कम्युनिटी एरिया में जो लैंड होता है वो प्राइवेटली ओन हो सकता है, हालांकि कंजर्वेशन रिजर्व उस लैंड पे बनाया जाएगा जो कंप्लीटली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पर दोनों में इन्वॉल्वमेंट लोकल कम्युनिटी का ही होगा। तो कंजर्वेशन कब, रिजर्व कब बनेगा, जब लैंड को ओन कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और लैंड अनइनहेबिटेड है, हालांकि उस लैंड में कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट है, लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और वहीं पर अगर कोई लैंड है जिसको एक कम्युनिटी ओन कर रही है, जिसकी प्राइवेट ओनरशिप है, तो उसको आप कम्युनिटी रिजर्व बोलोगे, गवर्नमेंट ओनरशिप है तो कंजर्वेशन रिजर्व बोलोगे। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, इनको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2002 में, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का अमेंडमेंट हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002,
उस दोनों में कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को जोड़ा गया था, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का भी प्रावधान वहीं से आया था, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का भी प्रावधान वहीं से आया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने आपसे सारी इंपॉर्टेंट बात की है, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काम भर की सारी चीजें बता दी है फ्रेंड्स। टाइगर रिजर्व को मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, बायोस्फीयर रिजर्व को मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दें फ्रेंड्स, ताकि बाकी लोग भी कुछ सीख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय।